राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस के प्रत्याशी की आज नामांकन रैली होनी है। कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा आज नामांकन दाखिल करेंगे। गांधी मैदान में एक महत्वपूर्ण सभा होगी और सभा के बाद कलेक्ट्रेट तक रैली भी निकाली जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे, दक्षिण के दंगल में जहां सुनील सोनी ने अपना नामांकन भर दिया, तो वहीं आज कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो आज छत्तीसगढ़ की राजधानी में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन होगा। चूंकि रायपुर दक्षिण की ये सीट जो है वो अब नाक का सवाल बन गई है। इस सीट पर 35 सालों से बीजेपी जीत का परचम लहराती रही है। बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से विधायक हर साल बनते रहे, हर 5 साल में, लेकिन इस बार जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सुनील सोनी जो कि बेहद अनुभवी चेहरा है, तो वहीं एक युवा चेहरा, यूथ फेस के तौर पर आकाश शर्मा को लोग समझते हैं, जानते हैं, और आकाश शर्मा आज अपना नामांकन फॉर्म भरेंगे। तो कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गांधी मैदान में एक सभा होगी और सभा के बाद कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली जाएगी। रैली के दौरान कांग्रेस का दमखम देखने को मिलेगा, कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। आकाश शर्मा जो कि युवा चेहरा है, महज 35 साल के आकाश शर्मा पर इस बार दांव खेला गया है और बीजेपी के मजबूत गढ़ में बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस ने अपने इस प्रत्याशी को मैदान में खड़ा किया है। तो बड़ा अपडेट है, राजधानी रायपुर से आकाश शर्मा आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आपको बता दें कि आकाश पहली बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। वो फिलहाल छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके पहले एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अब उनका मुकाबला बीजेपी के सुनील सोनी के साथ होना है। और चलिए सीधे कुल रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा। गौरव, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन आज राजधानी में देखने को मिलेगा। कब तक नामांकन दाखिल करने आकाश पहुंचेंगे, उनके साथ और कौन कौन से दिग्गज नेता रहने वाले हैं? गौरव, रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए मुहूर्त का नामांकन आकाश शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कल ही दाखिल कर दिया था, लेकिन आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन रायपुर में देखने मिलेगा। इस वक्त हम गांधी मैदान में मौजूद हैं। कांग्रेस भवन के सामने की तस्वीर है, जहां पर देखा जा सकता है कि नामांकन रैली के पहले जो सभा होनी है उसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लगभग 12 बजे का वो समय मुकर्रर किया गया, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है उनकी मौजूदगी में एक सभा होगी, जिसमें माना जा रहा है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत जो तमाम कांग्रेस के नेता है, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर शिवराणा दासमहन, तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो यहां पर मौजूद रहेंगे। यहां पर सभा को संबोधित किया जाएगा, कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के उनको संबोधित करने के बाद, उनको हुंकार करने, रिचार्ज करने के बाद में यहां से रैली जो है वो नामांकन रैली निकलेगी और कलेक्ट्रेट तक जयस्तंभ चौक और विभिन्न इलाकों से होते हुए पहुंचेगी। तो इसके लिए जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप दी जा रही है उन तैयारियों को, और इसके बाद 12 बजे के आसपास जो है वो यहां पर नेता इकट्ठा होंगे और यहां से नामांकन रैली के लिए प्रस्थान करेंगे। चूंकि 5 नेताओं को ही प्रत्याशी के साथ भीतर प्रवेश दिया जाएगा, ऐसे में ये माना जा रहा है कि आकाश शर्मा के साथ में पीसीसी चीफ दीपक बैज और वरिष्ठ नेता ही भीतर तक प्रवेश करेंगे, बाकी जो रैली है वो कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार तक के ही जा पाएगी। तो इस तरह से जो परिस्थितियां वो बनी हुई है और इसके लिए प्रशासन की ओर से भी इंतजाम किया गया और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी इंतजाम किया गया कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और प्रशासन जो शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जाना है उसको संभालने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए भी यहां पर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई है। कलेक्ट्रेट के साथ ही साथ शहर के मुख्य जो चौराहे, जिन चौराहों से कांग्रेस की जो रैली है वो निकलेगी, वहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए जी। लेकिन गौरव, आपके पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है जरा उसे जूम करके दिखाएगा, वो जो पोस्टर नजर आ रहा है इसमें पायलट दिखाई दे रहे हैं, चरणदास महंत भी नजर आ रहे हैं, दीपक बैज है, लेकिन भूपेश बघेल का चेहरा इस पोस्टर में फिलहाल दिख नहीं रहा है, क्या वो रैली में पहुंचने वाले हैं गौरव? बिल्कुल हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो जूम करके दिखाएं। सचिन पायलट, चरणदास महंत, आकाश शर्मा, दीपक बैज के साथ टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की तस्वीर भी है, ये जरूर देखा जा सकता है। तमाम जो राष्ट्रीय नेता है उनकी तस्वीरों के साथ में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की तस्वीर भी है, दीपक बैज और आकाश शर्मा की तस्वीर भी है, साथ ही साथ सचिन पायलट और चरणदास महंत की तस्वीर भी है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये जो पोस्टर है वो तैयार कराया गया और इसी तरह से जो अन्य पोस्टर भी है जो और भी स्थानों पर लगाने की तैयारी, उसको भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो की गई है। तो इसमें आकाश के साथ देखा जा सकता है टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू की भी तस्वीर है, और दूसरे हिस्से में अगर आप देखेंगे तो
तो भूपेश बघेल, चरणदास महंत, दीपक बैज की भी तस्वीर है। कांग्रेस ने इन पोस्टरों के माध्यम से एकता प्रदर्शित करने की जो कोशिश है वो जरूर की हुई है। देखा जा सकता है कि भूपेश बघेल, चरणदास महंत और दीपक बैज को देखा जा सकता है, तीन बड़े चेहरे कांग्रेस की राजनीति के इस वक्त, एक प्रदेश अध्यक्ष है, एक नेता प्रतिपक्ष है और एक पूर्व मुख्यमंत्री है। साथ ही साथ देखा जा सकता है कि दक्षिण के जो दावेदार हैं उनकी तस्वीरों को भी स्थान दिया गया है। आप जब पहली पंक्ति में देखेंगे तो इसमें विकास उपाध्याय और एजाज ढिबर के साथ में प्रमोद दुबे की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ज्ञानेश शर्मा, कन्हैया अग्रवाल, सन्नी अग्रवाल, ये तमाम वो चेहरे हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे और इनके साथ साथ ब्लॉक अध्यक्षों को भी स्थान दिया गया। तो देखा जा सकता है कि कहीं कोई अवसर न छूटे किसी के नाराज होने का, किसी के शिकवे शिकायत का, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश जरूर की गई। और यही वजह है कि न सिर्फ वरिष्ठ नेताओं को सम्मान दिया गया तस्वीरों में, पोस्टरों में, बल्कि कांग्रेस के जो दावेदार है उनको भी स्थान दिया गया, साथ ही साथ संगठन के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनकी भी तस्वीर देखी जा सकती है। बिल्कुल, कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन भी गौरव से पहले किया था और एकजुटता ही दिखाई गई थी कि सभी जो नेता हैं पार्टी के कार्यकर्ता है वो एकजुट हैं और एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेंगे और पोस्टर भी कहीं ना कहीं यही तस्वीर बयां करते हैं। बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।